वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड स्थित प्रिंस मोबाइल केयर दुकान का गैस बिल्डिंग मशीन से शटर काटकर बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए की सामान की चोरी कर ली। घटना के बाद आक्रोशित दुकानदारों ने अगजनी कर सड़क जाम कर दिया। दुकानदार पुलिस प्रशासन से अविलंब चोर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस पदाधिकारी जाम हटाने को लेकर दुकानदार एवं अन्य प्रदर्शनकारी पर दबाव बना रहे थे। घटना के संबंध में दुकानदार रूपक कुमार ने बताया कि बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए की सामान की चोरी गैस बिल्डिंग मशीन से शटर काट कर किया है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची। सड़क जाम करने के बाद सिर्फ यह कहने के लिए पुलिस पहुंची है कि सड़क को जाम मुक्त अविलंब कीजिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण आए दिन शहर में घटनाएं घट रही है। दुकानदार रूपक कुमार बाग दुल्हन के रहने वाले है। मेरे दुकान में भी कल रात डकैती हो गया जी। जी, शटर गैस कटर से काट के पूरा स्टॉक करीब 25 लाख रुपया का स्टॉक और 5 से 7 लाख रुपया का मेरे एक्सेसरी चोरी कर लिया गया। इसके बाद में मैंने प्रशासन को अलर्ट किया था, तो प्रशासन 1.5 घंटे बाद सिर्फ ये कहने आए हैं कि आप रोड जाम छोड़ा दीजिए, न कि दुकान का वेरिफिकेशन किया गया क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, क्या कैमरा लगा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस उनका एक ही कहना है कि आप रोड जाम छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं पूछा रहे। आपके शॉप का क्या नाम है? मेरे शॉप का नाम हुआ प्रिंस मोबाइल के। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रूपक कुमार हुआ। ये शॉप मेरे माता जी के नाम से, रीना देवी के नाम से अलर्ट है। ठीक है, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ ऐसे, मैं बाग दुल्हन में डेरा लेके रहता हूँ रेंट पे, और मेरा प्रॉपर घर सोंदो हुआ ग्रोल, आपको स्टेशन थाना पड़ता है। ठीक है।